आयुर्वेद आयुर्वेद आयुर्वेद। नमस्ते सर, मेरा नाम निशांत है। आयुर्वेद दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते निशांत, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो मैं आपका सबसे पहले परिचय कराना चाहता हूं लोगों से। सर, आप सेक्रेटरी के पद पर हैं इस वक्त आयुष मंत्रालय में, वैद्य राजेश कोटेचा जी, आप पद्मश्री हैं और इस वक्त हम बहुत गौरवान्वित फील कर रहे हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया है हमें आज इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, द आयुर्वेदा एडिशन बाउंस बैक भारत इकॉन की। नमस्कार सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आयुष मंत्रालय में योग भी है, सिद्धा भी है, नेचुरोपैथी भी है, यूनानी भी है, आयुर्वेद भी है, होम्योपैथी भी है। सो मेरा सवाल यह है कि जहां 3000 साल पुरानी आयुर्वेद पद्धति को अभी हम उसकी जगह नहीं दे पाए हैं, उस बीच इतनी सारी जिम्मेदारियां आयुष मंत्रालय ने और ले रखी हैं, तो ये संभव हो पाएगा? पहली बात तो मैं ये पॉपुलर परसेप्शन को ठीक करने के लिए आपको, आपके माध्यम से आप श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि ये बात कतई ठीक नहीं है, परसेप्शन कतई ठीक नहीं है कि 3000 साल से हम आयुर्वेद को भी अपनी जगह नहीं दे पाए। This is all wrong perception. It's a created perception, I would say. जी। मैं एक हमारा एक स्टडी को उद्घृत करना चाहूंगा। अभी हमने पिछले दिनों में कोविड के समय में इम्पेक्ट क्या आयुष का लोगों का एक्सेप्टेंस क्या है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई प्लेटफॉर्म पर कहा कि आप आयुष की एडवाइजरीज का पालन करिए, आप इम्यूनिटी का जो एडवाइजरीज को देखिए, ये सब उन्होंने कई प्लेटफॉर्म पर कहा, मन की बात में भी कहा, राष्ट्रीय कार्यक्रम उद्बोधन में भी कहा। तो वी वेर क्यूरियस टू नो कि लोगों ने इसको किस तरीके से लिया और लोग कितना पेनिट्रेशन है। तो हमने एक एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी किया, आयुष संजीवनी ऐप हमने लॉन्च किया, इसके 1.5 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हुए और हम लोगों को 1,35,00,000 डाटा सेट्स मिले, मतलब 1% ऑफ पॉपुलेशन से ज्यादा। और उसमें हमें पता चला कि 85.9%, मतलब लगभग 86% लोगों ने कहा कि नहीं, उन्होंने आयुर्वेद या आयुष के बाकी किसी भी विधा का कुछ ना कुछ प्रयोग उन्होंने कोविड प्रोफाइलेक्सिस के लिए या अपने चिकित्सा के लिए किया है। तो दिस शोज द पेनिट्रेशन। हम लोग जो पॉपुलर परसेप्शन से देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में नंबर ऑफ पेशेंट्स या भीड़ भाड़ बड़े हॉस्पिटल में होती है, इसके आधार पर हम खुद ही आकलन करते हैं कि अच्छा आयुर्वेद को स्थान नहीं मिला। ऐसा नहीं है, इसके कुछ कारण भी है कि ये विधाएं बहुत सस्ती है, मतलब इसका कोई ज्यादा ये इल्यूमिनेटिंग नहीं है, इसमें बहुत खर्चा नहीं होता। जैसे हमारे एक आयुष 64 करके या काबासुरा कुटीर करके एक सिद्धा की मेडिसिन हमने रिपर्पज करी कोविड के लिए, कोविड के ऊपर बहुत प्रभावी पाई गई, रिपर्पज किया, बहुत स्टडीज हुए, विज्ञान के आधार पर हुआ उसका। माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट्स को देने पर हमने पाया कि, जैसे उदाहरण देता हूँ कि हमने लगभग 1,00,000 से ज्यादा होम आइसोलेशन पेशेंट को सेकेंड वेव के समय दिया, उसमें से 66,000 पेशेंट्स का हमारे पास 3 सप्ताह का फॉलोअप भी अवेलेबल फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन के साथ। पता चला कि उसमें से 66,000 में से सिर्फ 300 लोगों को अस्पताल जाना पड़ा, वो भी बच गए, देयर इज नो मोर्टालिटी, सब ठीक हो गए। जी। और 66,000 में से 50% के आसपास लोग पहले सप्ताह में आरटीपीसीआर नेगेटिव हो गए। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि एक तरीके से लार्ज स्केल एक्सेप्टेंस, प्रॉब्लम इज कि ये विधाएं बहुत सस्ती है, अपनी खुद की है और इसका जो कॉस्ट है, जो एवरेज कॉस्ट है, जो 3 सप्ताह हमने औषधि दी वो 350 रुपया है। तो 350 रुपये कोच के सामने आप जरा कंपेयर करो कि हम कोविड में लोग लाखों रुपया खर्च किए, तो वो एक बड़ा भारी वो गैप एरिया है कि हमारे मन में ये जनरल परसेप्शन है कि जिसमें खर्चा ज्यादा होता है वो अच्छा होता है। तो एक परसेप्शन आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कैसा नहीं है। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से 200% इत्तेफाक रखता हूँ। बस मेरा बस वही चीज कहना था कि एक तो ये बात लोगों को मालूम होनी चाहिए कि इतने कम दाम में इतनी कमाल की चीज आपके आपकी जमीन पर आपकी जड़ों से जुड़ी हुई है, पर उसका प्रचार प्रसार शायद अभी उस तरीके से नहीं हो पाया। मेरा एक वो पॉइंट था जिस तरफ मैं इशारा करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपके पास हूं यहां, इसीलिए तो आपसे बात कर रहा हूं, आपके माध्यम से मैं प्रयत्न कर रहा हूं ना। देयर इज एन ऑनेस्ट एफर्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल, बेशक बेशक सर। दूसरी एक चीज जो मेरे जहन में ख्याल आया जब मैंने आयुष मंत्रालय की स्थापना देखी, तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मेडिसिन के लिए एक अलग से मंत्रालय स्थापित करने के पीछे लक्ष्य क्या था। इसकी जरूरत मेरा ख्याल है कि बहुत पहले थी, इतने बाद में एक तो इसे पूरा किया गया और अचानक इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। उसमें सबसे बड़ा लैंडमार्क यह है कि 1995 में एक छोटा सा सेक्शन जो था हेल्थ मिनिस्ट्री में, उसमें से एक फुल फ्लेज्ड डिपार्टमेंट बना जिसके सेक्रेटरी और पूरा इकोसिस्टम था, उसके कारण उसको गति मिली। और बाद में
2014 में जो ये माननीय माननीय प्रधानमंत्री जी की एनडीए की जो प्रथम सरकार आई 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के समय में, उन्होंने उनके मन में स्पष्ट है कि इस विधा को हम आगे बढ़ा सकते हैं, विज्ञान है और हमारे देश के लिए ये प्लूरालिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम है, ये हमें बहुत अच्छा सहायता करेगा। उस समय से ऊपर इस विषय में बोलते भी, अलग अलग मंचों पर उन्होंने इसको बताया भी जी। तो ये इसको आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने सोचा कि ये अच्छा रहेगा कि एक इसको एक अलग से मंत्रालय दिया जाए। मंत्रालय देने से इसका विकास तेज गति से हुआ। जैसे कैसे हुआ मैं वो भी बताना चाहूंगा कि 2014 में जब ये मंत्रालय बना तब उसका बजट महज 700 करोड़ का, अभी 2021 में इसका बजट 2960 करोड़ है, मतलब लगभग 3000 करोड़। तो आप देखिए, 4 गुने से ज्यादा बजट 7 साल में किसी भी मंत्रालय का नहीं हुआ। और ये हमारी विधाएं बहुत सरल है, महंगी नहीं है, उस अनुपात में ये बजट भी काफी अच्छा है। और नेशनल आयुष मिशन चला, पब्लिक हेल्थ के अंदर गए। तो अब इसका ऐसे भी इवोल्यूशन देखिए कि पहले जब ये मंत्रालय बना तो हमारे पास स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री थे। अभी जो लेटेस्ट कैबिनेट रिशफल हुआ तो हमें कैबिनेट मिनिस्टर भी मिले, एक स्टेट मिनिस्टर भी मिले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पुटिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी टू हैव आयुष सिस्टम अप फ्रंट इन पब्लिक हेल्थ डिलीवरी सिस्टम। जी मेरा ये सवाल सर आपसे ये भी है कि पैंडेमिक के वक्त अचानक से, मतलब चलिए ये बात मैं मान सकता हूँ कि इवॉल्व हुआ वक्त के साथ साथ, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट ऑफ जयपुर जो है वहां से बात हो रही थी मेरी, तो उन्होंने भी कहा कि वक्त के साथ धीरे धीरे चीजें बदलती हैं और बदलने में वक्त लगता है। बट कोविड के वक्त अचानक से आयुष मंत्रालय की बात हर तरफ होने लग गई, जो आप लोगों ने लोगों को सुझाव दिए कि कोविड से बचने के क्या क्या तरीके हैं, वो तमाम चीजें होने लगी। सो यहाँ एक विश्वास जन्मा, लोगों के मन में अचानक से एक विश्वास पैदा हुआ जो शायद पहले कहीं अंदर था, वो सामने आने की कोशिश करने लग गया। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आप ट्रेडिशनल जो चिकित्सा पद्धति है उस पर युवाओं का यकीन कैसे कैसे बना पाएंगे, वो लोग जिन्हें जिन्हें लगता है कि ये घरेलू नुस्खे हैं, नानी दादी वाली चीज है, उनका यकीन कैसे बढ़ाएंगे आप इस पे? इसमें मैं मेंशन करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को। प्रधानमंत्री जी ने कोविड के प्रारंभ में ही हमें भी हमारे सेक्टर के साथ एक वीसी करके उन्होंने आह्वान किया सेक्टर को, आयुष सेक्टर को, जिसमें एजुकेशनिस्ट थे, एकेडेमिशियंस थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, रिसर्चर्स थे, सभी और प्रैक्टिशनर्स भी थे, मतलब सभी पूरे देश से ऐसे श्रेष्ठ लोगों को इकट्ठा किया। एक वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से उन्होंने कहा कि देखो, ये अभी इस समय जो क्राइसिस है ये न भूतपूर्व न भविष्यती प्रकार की है, इसमें आप भी कैसे अपनी ओर से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सबके विचार लिए। फिर उन्होंने अपनी ओर से बताया कि देखो, आप निश्चित रूप से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें एविडेंस जनरेट करने पड़ेंगे, वैज्ञानिक आधार पर इसको सबको आपको प्रमाणित करना पड़ेगा, और जो पहले से प्रमाणित है उसको आप आगे लेके आना पड़ेगा। और उसको फिर उन्होंने एक संभावना और बताई कि आप देखिए, इसमें कॉमर्स है, आप इसको जैसे आगे बढ़ाएंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू ग्लोबल कॉमर्स, उसको भी आप देखिए, मतलब कितनी बड़ी बात है। उन्होंने उस समय सोचा जब क्राइसिस के समय हम लोग हमें सोच समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे समय में उनके इस मार्गदर्शन के कारण हमने इसको होल हार्टेडली एक चैलेंज के रूप में लिया। हमने एक इंटरनेशनल टास्क फोर्स बनाया, देश भर के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों का एक समूह बनाया, उनको कहा कि आप हमें बताइए हमें क्या कर सकते हैं। उन्होंने मार्गदर्शन दिया, बहुत अलग अलग प्रकार के उन्होंने स्टडीज के डिजाइन बताए कि ऐसे ऐसे करें, ऐसे ऐसे करें। आपको मानेंगे नहीं, 137 स्टडीज हुए, 137 स्टडीज हुए, 858 लोकेशंस अक्रॉस द कंट्री। ये सब क्लिनिकल स्टडीज नहीं थे, मल्टी सेंटर्ड क्लिनिकल रेंडमाइज ट्रायल्स थे, ऑब्जर्वेशन स्टडीज थे, प्रोफाइलेक्टेड ट्रायल्स थे, प्री क्लिनिकल स्टडीज थे, लैब बेस्ड स्टडीज थे, वॉकिंग स्टडीज थे, इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज थे, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टडीज। अभी इसमें से 30 से ज्यादा पब्लिकेशन आ गए वर्ल्ड फेमस जर्नल्स में। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि विज्ञान के आधार पर जब प्रमाणित हुआ तो देश ने उसको हाथों हाथ लिया और उसका लाभ भी हुआ। लोगों को जेब से ज्यादा पैसा भी नहीं खर्च हुआ, उनको बहुत ज्यादा लाभ भी हुआ। और आपने जो अंतिम जो बात कही कि युवाओं को कैसे हम इसमें लेके आए, तो इसमें हमें आपकी मदद की जरूरत है। हम तो खूब ओरिजिनल काम करते हैं, कर रहे हैं, हम तो हैं सर आपके साथ ही। हमें क्या मदद की जरूरत है, इसको डिसेमिनेट करना, ठीक प्रकार से डिसेमिनेट करना, लोगों तक ये बात पहुंचाना कि ये विज्ञान देश भर में नहीं दुनिया भर में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। अभी हमारे कुछ प्रोडक्ट्स को तो दुनिया भर में 3-4 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ पिछले 1.5-2 साल में। सेक्टर का साइज जो 2016 में एक CIA की स्टडी के अनुसार $3 बिलियन था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, वो अभी 18 बिलियन हो गया,
5 साल के अंतर अंतर मतलब लेस देन 5 इयर्स 3 बिलियन का 18 बिलियन होना, ये छोटी मोटी बात नहीं, इट शोज कि अक्रॉस द यू नो सेक्टर ऑफ द कम्युनिटी एवरीबॉडी इज एक्सेप्टिंग इट। जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि हमारी जो बहुमूल्य खजानों की धरती है, जो जड़ी बूटियां हमारी हैं, जिस पे एकाधिकार भारत का है, उसके जीआई की तरफ हम क्या कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कई बार देखा है, आप भी जानते हैं इस बारे में, विदेशों में कई बार कोशिश की गई नीम और हल्दी तक का पेटेंट लेने की। तो उस तरफ जो हमारी अपनी चीजें हैं उसका एकाधिकार भारत के पास कैसे आए, और इस तरफ हम कोई काम कर रहे हैं? क्योंकि है वो चीजें, और कई बार हम उसको अपना, हम सोचते हैं कि भाई हमारी है तो हमारी है, पर देश और दुनिया जिस तरीके से देख रही होती है, वो बाद में पता चलता है कि अच्छा ये हक किसी और ने लेने की कोशिश की। इस पर पिछले वर्षों में बहुत सारा काम हुआ जी, बहुत सारा काम हुआ, जैसे हमने आयुष मंत्रालय और सीएसआईआर ने मिलकर के ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी करके प्रोजेक्ट खड़ा किया, टीकेडीएल। जी, इसके बारे में बताइए सर। मैं बता रहा हूँ, टीकेडीएल के अंदर हमने क्या क्या तय किया कि ये जो पेटेंट होते हैं दुनिया भर में, उसमें पेटेंट इज ए नोवेल नॉलेज एंड दीज आर दी पब्लिक डोमेन नॉलेज, ये जड़ी बूटियां है, हमारा जो ज्ञान है पब्लिक डोमेन में, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, शास्त्रों में लिखा हुआ, उसको पेटेंट नहीं किया जा सकता। उस आर्गुमेंट के लिए हमारे पास कुछ आधार होना चाहिए, हम इसे सीधा कहकर की गलती और नीम पर पेटेंट नहीं कर सकते, वो तो हमारा है, कोई मानेगा नहीं। वी हैव टू प्रोवाइड देम द सब्सटेंशियल एविडेंसेस कि हाँ ये पहले से शास्त्रों में लिखा हुआ है, हम तो यहाँ यूज करते हैं, इसी इंडिकेशन के लिए यूज करते हैं। तो टीकेडीएल प्रोजेक्ट में हमने जो शास्त्रों के अंदर जो भी नॉलेज है, सभी प्रकार के टेक्स्ट, उनके तर्क संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, बहुत सारे दूसरे ग्रंथ है, मतलब 50 से ज्यादा ऐसे टेक्स्ट है जिसको पूरे के पूरे फॉर्मुलेशन को डिजिटाइज किया गया पिछले वर्षों में। 5 लाख से ज्यादा ऐसे फॉर्मुलेशन को डिजिटाइज किया गया, और उस पूरे डिजिटाइज नॉलेज को दुनिया भर की पेटेंट ऑफिस के साथ शेयर किया गया। उनके पास कोई पेटेंट एप्लीकेशन आती है तो उसके साथ वो कंपेयर करते हैं कि जैसे मैंने कहा कि हल्दी जो है वो जुकाम में काम करती है या वायरल इन्फेक्शन में काम करती है, तो आयुर्वेद में इसके बारे में पहले से कहा है कि हाँ हल्दी इस प्रकार का काम करती है, तो हल्दी को उसका पेटेंट नहीं मिलेगा। ऐसे कुछ पेटेंट्स रिवर्स भी हुए, नीम और हल्दी के पेटेंट जो आप बात कर रहे हैं उसमें से बहुत सारे पेटेंट्स रिवर्स हुए हैं। जी, हमने पूरी लड़ाई लड़ी है भारत की तरफ से। तो उसके कारण ये डिजिटल लाइब्रेरी का हमारा जो प्रोजेक्ट है जिसके कारण इतना सारा कार्य हुआ, ये बहुत इमेंस है। बहुत बढ़िया सर, चूंकि आप स्वयं ट्रेडिशनल मेडिसिन के इतने बड़े जानकार हैं, आज आयुर्वेदा दिवस है, कई लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन तमाम लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे, एक संदेश जो आज के दिन पर आप देना चाहेंगे उन तमाम लोगों को? मेरा आपके माध्यम से सबको ये निवेदन है, संदेश है, देना चाहता हूँ कि अभी अभी तक हम जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं, इलनेस की बात करते हैं, स्वास्थ्य का मतलब हम चिकित्सा समझते हैं कि डॉक्टर के पास जाए, गोली ले लें, कोई दवा ले लें, उसी को स्वास्थ्य मानते हैं। स्वास्थ्य इज समथिंग डिफरेंट, हेल्थ इज समथिंग डिफरेंट देन इलनेस। हमें स्वास्थ्य क्या है, खास करके क्वालिटी हेल्थ, कि स्वस्थ रहने के लिए अपना मन भी प्रसन्न होना चाहिए और हम बीमार नहीं पड़ना चाहिए, समय पर भूख लगनी चाहिए, एंड वी स्टे डिसीज फ्री फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसको वेलनेस कहते हैं। वेलनेस का मतलब सिर्फ कोई शोशेबाजी वाली कोई ट्रीटमेंट नहीं कि हम गए कहीं स्पा में गए, स्पा कर रखे, वो वेलनेस नहीं है। वेलनेस इज ए क्वालिटी हेल्थ टू बी अचीव्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड डोंट वी शुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू गो टू द डॉक्टर, बी इट आयुर्वेदिक डॉक्टर और आयुष डॉक्टर, किसी डॉक्टर के पास क्यों जाना पड़ेगा? उसके लिए आयुर्वेद की तरफ से या आयुष की विधाओं की तरफ से बहुत सारा नॉलेज है, इनबिल्ट नॉलेज है। इट इज रिलेटेड टू लाइफस्टाइल, रिलेटेड टू आवर फूड्स, डाइटेटिक्स, ट्रेडिशनल आवर रेसिपीज एंड ऑल दोस थिंग्स। इसीलिए इस बार आयुर्वेद दिवस पर आयुर्वेद को पोषण करके हमने थीम रखी हुई है कि पोषण के मामले में हम लोग हमारा जो ट्रेडिशनल आहार है उसको हम भूलते जा रहे हैं, विच इज होलिस्टिक, विच इज वेरी न्यूट्रिशियस। तो मेरा आपके माध्यम से सबको ये इलनेस टू वेलनेस की जो जर्नी है उसमें सब लोग मिलकर हम आगे चलें, और जब वेलनेस की बात करें तो गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य, बीमार न पड़े, और स्वास्थ्य का मतलब आहार, निद्रा, व्यायाम, सब चीजों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। यही मैं सबको मेरी तरफ से आपके माध्यम से शुभकामना देना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी सारी ज्ञान की बातें आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी धन्यवाद, नमस्कार।